सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है अतीश जैन और आज हम रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा थार का। जो ये थार है ये डीजल नहीं है, पेट्रोल है, क्योंकि डीजल थार तो सब लेते हैं पर पेट्रोल बहुत ही कम लोग लेते हैं। और ये पेट्रोल में भी ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो और ज़्यादा रेयर ऑप्शन बन जाता है। और पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो थार जो है अगर आप ब्लैक कलर में लेते हैं तो उसकी रोड प्रेजेंस और उसका लुक नेक्स्ट लेवल आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी कीज़ से। तो जो थार की कीज़ मिलेंगी आपको उसमें आपको लॉक, अनलॉक और जो आपको ये सेंटर में बटन मिलेगा इससे इसका हॉर्न चलता है। और अगर आप फिर से इसको क्लिक करेंगे तो वो आपका हॉर्न बंद हो जाएगा। साथ ही साथ जब आप इसको लॉक करेंगे तो लाइट्स फ्लैश होती हैं, एज वेल एज जब आप इसको अनलॉक करेंगे तब भी। स्टार्टिंग विद द फ्रंट ऑफ द कार, तो इसमें आप बहुत सारी मॉडिफिकेशंस देख रहे होंगे। जो इसकी ग्रिल है ये जीप रैंगलर वाली ग्रिल से इंस्पायर्ड जो ग्रिल आती है आफ्टर मार्केट वो इंस्टॉल करी गई है। जो लाइट्स हैं वो LEDs में चेंज करी गई हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प्स में अलग LEDs मिलेंगी, हैलोजेंस आती है कंपनी से। और जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इसका बम्पर। जो कंपनी से स्टॉक बम्पर आता है वो ठीक है बट उसमें ऐसी लुक नहीं आती जो ये अग्रेसिव लुक अभी दे रही है। तो हम इसका इंजन बे भी अनलॉक करते हैं। इंजन बे के लिए आपको यहाँ पे एक लीवर मिलेगा, देन इंजन बे अनलॉक करने के लिए सिर्फ लीवर नहीं, यहाँ पे दो आपको ये लॉक्स मिलते हैं। इन लॉक्स को मैंने पहले खोल लिया था ताकि बाद में आसानी हो। देन क्योंकि हमने अंदर से भी वो इंजन बे अनलॉक कर दिया है तो आप देख सकते हैं ये जो इंजन है ये 2000 सीसी का एम स्टैलियन इंजन है। जो डीजल इंजन होता है उसे एम हॉक कहती है महिंद्रा और जो पेट्रोल इंजन होता है उसे एम स्टैलियन कहती है। तो ये जो इंजन है गाइस वो प्रोड्यूस करता है 150 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। तो कहीं ना कहीं ये जो इंजन है ये डीजल थार से ज़्यादा पावरफुल है। अब वापस इसको क्लिप्स लॉक करने के लिए आप ऐसे इनको बंद कर दीजिए, इससे आपका जो बोनेट है वो सिक्योरली लॉक हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, तो इसके अंदर सबसे पहले हम टायर्स की बात करें तो 255/65R18 के टायर्स आते हैं, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं विद डिस्क ब्रेक एज वेल। साइड में आपको ये एक इंडिकेटर रिफ्लेक्टर मिलेगा, थार की ब्रांडिंग। ORVMs पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा बट जो इसके ORVM का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। साइड में आपको एक फुटबोर्ड मिलेगा जिसको आप अंदर जाते हुए और बाहर उतरते हुए जो आपको हेल्प ज़रूर करेगा क्योंकि इतनी ऊंची गाड़ी है। 4x4 की ब्रांडिंग और जो इसके रेयर ब्रेक्स हैं वो आपको डिस्क नहीं ड्रम मिलेंगे। और कमिंग टू द रेयर ऑफ द कार, तो जो इसका फिफ्थ व्हील होता है जो हमारा स्पेयर व्हील होता है वो आपको पीछे ऐसे मिलेगा। इस पर एक सेम साइज अलॉय व्हील है, हैलोजन टेल लैम्प्स मिलेंगी, नीचे जो रिफ्लेक्टर्स है वो ओनर ने चेंज कराए हुए हैं, पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो इसकी कंपनी फिटेड आते हैं बट ये जो कैमरा देख रहे हैं आप रेयर कैमरा वो आपका आपको एसेसरीज में लगवाना पड़ता है, कंपनी से नहीं आता। ऑटोमेटिक की बैजिंग, साथ ही साथ आपको इस पर रेयर डिफॉगर एंड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी मिलता है। बूट अनलॉक करते हैं अब हम। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक हैंडल और मिलता है अंदर से अनलॉक करने के लिए। ये लिड ओपन करने के लिए आपको पहले नीचे का बूट डोर ओपन करके उसको ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा। एक बारी में आप इसको पूरा नहीं खोल सकते, आपको दो स्टेप्स में ही खोलना पड़ेगा। अंदर जो स्पेस है वो एक नॉर्मल कैरी बैग के लिए सफिशेंट है बट आप इसमें कोई भी बड़ा लगेज कैरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेस इतनी नहीं है। यहाँ पे इसका आपको फ्यूल लिड मिलेगा जो कि अंदर से अनलॉक नहीं होता, आपको कीज की मदद से ही खोलना पड़ता है। एज यू कैन सी पेट्रोल, और ये जो साइड में आपको एक स्पेस मिल रहा है जो ब्लैंक है इसमें वो डैट इज फॉर एड ब्लू प्रेजेंट इन द डीजल इंजन। नाउ लेट्स गेट इनसाइड द कार। तो जो रेयर सीट स्पेस है उसमें चलते हैं हम।
दोनों ही तरफ आपको साइड आर्मरेस्ट मिलेंगे जो कि पार्ट ऑफ एसेसरीज है, कंपनी फिटेड नहीं आता है। नाउ कमिंग टू द रियर सीट कंफर्ट, तो इसमें आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम, बट जो कैबिन है वो वाइड तो है, बट उसमें दो पैसेंजर्स आपस में शोल्डर जरूर रब करेंगे क्योंकि ये जो साइड में आर्मरेस्ट लगाए गए हैं इसकी वजह से थोड़ी सी स्पेस विड्थ में कम हो गई है, बट ये आर्मरेस्ट के अंदर दो कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको और स्टोरेज स्पेस भी मिलेगी। दोनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे और ऊपर दो कंपोनेंट्स और दो सेंटर में ट्विटर्स मिलेंगे। जो रेयर सीट्स हैं उनके जो हेडरेस्ट हैं वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिलेंगे और दोनों ही पैसेंजर्स के लिए पीछे सीट बेल्ट भी प्रोवाइड करी गई है महिंद्रा की तरफ से। और पीछे से आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड का लुक मिलेगा। ऑल ब्लैक कैबिन है तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर पीछे वाले पैसेंजर को बाहर जाना हो तो वो सिंपली ये लीवर को ऊपर पुल करके सीट को आगे पुश करके बाहर जा सकता है। तो गाइस जो रेयर सीट एक्सपीरियंस था थार का वो काफ़ी डिसेंट था इवन फॉर मी। एंड फॉर रेफरेंस जो मेरी हाइट है वो 6 feet है, तो मेरे पास नी रूम, लेग रूम और हेड रूम काफ़ी अच्छा था। अब हम ड्राइवर सीट की तरफ चलते हैं। कमिंग टू द फ्रंट डोर, तो इसमें आपको एक डोर हैंडल, ORVM को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल्स, ये फोल्डेबल नहीं होते हैं, 1 liter वाटर बॉटल का स्लॉट, मैनुअल हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलेंगी विद लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट एज वेल। कमिंग टू द राइट ऑफ द कंसोल, तो इसमें आपको बहुत सारे बटन्स मिलेंगे जिसमें से जो ये दो बटन्स हैं, ये जो चार बटन्स हैं इवन, ये आपके MID को कंट्रोल करने के लिए मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ करने के लिए मिलते हैं और हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ हेडलाइट लेवलिंग के आपको ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको फ्रंट स्पीकर्स मिलेंगे ऑन बोथ द साइड्स। चलिए कार में अंदर चलते हैं। तो ये कार इतनी ऊंची है कि मेरे को भी फुटबोर्ड का यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले कार को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कुछ इसकी ऐसी फ्लिप की थी जो मैंने आपको पहले दिखाई। As you can see कि इंजन इतना बड़ा है कि एक बारी के लिए तो कार थोड़ी सी शेक हुई थी, पर काफ़ी साइलेंट इंजन है, बिल्कुल भी इसमें नॉइज नहीं है अंदर, और आइडल में भी आपको बहुत बेहर मिनिमम साउंड मिलेगी जो नॉर्मल आपको हर गाड़ी में मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेयरिंग व्हील से। तो लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेयरिंग व्हील आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलेंगे जिसमें आपको वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट करने के लिए, मोड चेंज या सोर्स चेंज करने के लिए और साथ ही साथ कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन एंड ट्रैक को प्रीवियस या फॉरवर्ड करने के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कमिंग टू द राइट साइड ऑफ द स्टेयरिंग व्हील, तो इसमें आपको क्रूज कंट्रोल के लिए बटन्स, ऑन या ऑफ करने के लिए, सेट करने के लिए जो स्पीड पे आप क्रूज लगाना चाहते हैं एंड वॉइस कंट्रोल के लिए बटन्स मिलते हैं। सेंटर में आपको हॉर्न का बटन है। ये जो हॉर्न है ये तो आफ्टर मार्केट है और काफ़ी लाउड है, बट कंपनी फिटेड हॉर्न अलग आता है। लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेयरिंग व्हील पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलते हैं। वाइपर का रिस्पांस आप देख पाएंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, विंडशील्ड बिल्कुल साफ हो गई है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रे है इसका एंड इसमें डिलेड वाइपर स्वाइप भी है जो कि प्रीमियम कार्स में आता है। कमिंग टू द राइट साइड ऑफ द स्टेयरिंग व्हील, तो आपको हेडलाइट के स्टॉक्स मिलेंगे एज वेल एज इंडिकेटर्स एंड फॉग लैंप्स। अगर हम MID की तरफ आते हैं तो जो इसका पूरा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है डैट इज एनालॉग एंड सेंटर में आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है। लेफ्ट में आपको टेकोमीटर, राइट में आपको स्पीडोमीटर एंड MID में आपको वेरियस फंक्शंस मिलते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं राइट साइड ऑफ द डैशबोर्ड से, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसमें आपको डिजिटल स्पीड मिल जाती है,
साथ ही साथ आपका जो आपका ये फोर व्हील ड्राइव सिस्टम होता है उसके सारे अपडेट्स इधर आपको आते हैं कि कौन से मोड पे अभी कार है, आपका फोर व्हील ड्राइव हाई या लो एक्टिवेट हो चुका है या नहीं, जो आपका स्टेयरिंग व्हील है उसकी क्या डायरेक्शन है, जैसे आप देख पाएंगे चेंज होता है, लेफ्ट में आप 10 डिग्रीज का चेंज देख पा रहे हैं। इसके साथ ही वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स, अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो पैसेंजर एयरबैग की सेटिंग्स है, नथिंग मच, एंड आपका ट्रिप ए के कुछ डिटेल्स, एवरेज स्पीड एंड ड्राइविंग टाइम, ट्रिप बी की डिटेल्स, करंट टाइम एंड एवरेज फ्यूल इकोनॉमी विच इज शोइंग 7.4 किलोमीटर्स पर लीटर। एज पर द ओनर, अगर आप इस कार को सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में चलाते हैं विद एसी तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज ही मिलेगी, और अगर आप इसको विदाउट एसी चलाते हैं तो वो मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर्स पर लीटर तक स्ट्रेच हो जाएगी, उससे ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा इतने बड़े पेट्रोल इंजन से। एंड वी आर बैक टू द डिजिटल स्पीड। तो ये कुछ इसकी एमआईडी थी, जो इसके एसी वेंट्स हैं ये भी ओनर ने चेंज करा रखे हैं, विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम मर्सिडीज एंड गिव द थार अ रियली प्रीमियम लुक। कमिंग टू द सेंटर ऑफ द कार नाउ, तो इसमें आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो बिल्कुल भी लैग नहीं करता है, स्मूथ है काफ़ी। इसी के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है जो कि वायर्ड है। इफ यू क्लिक ऑन द एडवेंचर पे क्लिक करते हो तो लेफ्ट में आपको पावर एंड टॉर्क फिगर्स शो करता है, ये कंपास शो करता है एंड जी फोर्स मॉनिटर एज वेल। दिस इज ऑन रोड, अगर हम ऑफ रोड पे जाते हैं तो ये सारे एंगल शो कर रहा है कि जिस पे अभी कार खड़ी हुई है कितना इंक्लाइन है, साइडवेज कितनी है कार, टेम्परेचर क्या है और स्टेयरिंग व्हील पोजिशन क्या है, साथ ही साथ गियर पोजिशन इंडिकेटर भी शो कर रहा है। एंड कस्टम में आप अपने लिए एक खुद सेट करके एक डिस्प्ले बना सकते हैं। वापस हम होम पे आए तो इसमें फोन, नेविगेशन, कार इन्फो, टायर टॉनिक्स, तो इसमें टीपीएमएस आता है तो वो आपको बता देता है कि अगर इस किसी पर्टिकुलर टायर में अगर आपके एयर प्रेशर कम हो तो। एडवेंचर कनेक्ट, अलर्ट, डीआरएल को आप ऑन या ऑफ करने के लिए सेट यहाँ से ऑन कर सकते हैं, फ्यूल इन्फो इधर से भी आपको जो आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो और डिस्टेंस टू एम्प्टी शो होता है। एंड सेटिंग्स भी हम देख लेते हैं एक बारी, तो इसके अंदर साउंड, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी सिस्टम एंड एडवेंचर कनेक्ट फिर से आ जाता है। बात करें अगर हम रेयर कैमरे की तो रिवर्स में मैंने स्लॉट कर दिया है, तो ये जो कैमरा है ये महिंद्रा से ही लगा हुआ है, जो इसकी क्वालिटी है वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, जो गाइडलाइंस है वो अडाप्टिव नहीं मिलेंगी आपको, बट इट विल गेट द जॉब डन फॉर श्योर। अगर हम बढ़ते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से नीचे, तो यहाँ पे आपको दो एसी वेंट्स, उसके नीचे आपको मैनुअल एयर कंडीशनर कंट्रोल्स मिलते हैं। अगर हम उसके नीचे बढ़ते हैं तो हैजर्ड्स ऑन या ऑफ करने के लिए बटन, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने के लिए बटन और इंडिकेशन मिलेगी। उसे नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक यूएसबी टाइप ए और एक ऑक्स का स्लॉट, और नीचे आपको एक कबी स्पेस भी मिलेगा जहाँ पे आप फोन रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड उसके साइड में जो आप एक गियर लीवर देख रहे हैं, दैट इज द थिंग जो थार को फेमस बनाती है और इतनी केपेबल बनाती है। तो ये जो स्टिक है ये है इसकी फोर व्हील ड्राइव को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। तो इसमें अलग अलग साइंस आप पढ़ पा रहे हैं, 2 high, 4 high, न्यूट्रल एंड 4 low। तो जब आप इसको 4 high पे लेके जाना चाहें तो आपको सिंपली इसको हल्का सा प्रेस करना है और पीछे को स्लॉट करना है। एंड अगर आप ये सेंटर में देखें तो यहाँ पे ये वाली लाइट ऑन हो गई है, डैट मीन्स कि 4 high ऑन हो गया और सेंटर में भी लिखा आ जाता है। अगर हम वापस बढ़े सेंटर में तो गेयरबॉक्स के पीछे आपको यहाँ पे 2 पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगी। जो इसके पावर विंडो कंट्रोल्स हैं वो आपको सेंटर में मिलते हैं, ना कि आपको डोर पैनल पे। 2 कप होल्डर्स मिलेंगे आपको, फिजिकल हैंड ब्रेक, एक आर्मरेस्ट,
जिसके अंदर बहुत छोटी सी स्पेस है। लेफ्ट में आपको जो ग्लव बॉक्स मिलेगा डैट इज लॉकेबल, और उसमें थोड़ी सी स्पेस भी मिलेगी आपको। यहाँ पे एक स्लॉट है जहाँ पे आप कुछ निक नैक्स अपने रख सकते हैं। लेफ्ट में आपको एक यहाँ पे प्लेट मिलेगी जिसपे महिंद्रा थार सीरियल नंबर मेड इन इंडिया विद प्राइड लिखा हुआ मिलेगा आपको। टॉकिंग अबाउट द पैसेंजर साइड सनवाइजर, तो इसमें आपको एक वैनिटी मिलेगी विदाउट एनी लाइट। एंड ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी पे सिर्फ एक टोल रिसीप्ट होल्डर मिलेगा, कोई वैनिटी या लाइट नहीं मिलेगी। जो इसका IRVM है वो आपको मैनुअल मिलेगा, और पैसेंजर के लिए ऊपर आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका ड्राइविंग रिव्यू। तो जैसा कि आपको आज पता है कि आज हमारे पास एक फोर व्हील ड्राइव कार है, तो हम सबसे पहले आज रोड पे ड्राइव रिव्यू करने से पहले हम इसको ऐसे एक ग्राउंड पे जहाँ पे जो सरफेस है जो रोड है वो काफ़ी अच्छी नहीं है वहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि यही एक स्पेशलिटी है जो इसके लिए थार इतनी जानी जाती है कि इतनी ज़्यादा केपेबल होती है ऑफ रोड कि जैसे यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा होगा, कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, पर यहाँ पे जो ये गड्ढे हैं काफ़ी डीप हैं, बट जो थार है वो इनमें से बहुत ही आराम से निकल जाती है। इवन मैंने अपना जो एक्सेलरेटर पे उस पर पैर भी नहीं रखा हुआ, ये अपने आप क्रॉल कर रही है। पेट्रोल थार भी काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, लोग डीजल प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है, बट डोंट हैव एनी डाउट्स कि पेट्रोल आपकी कम केपेबल है, पेट्रोल का भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ही आराम से जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको इसने क्रॉस कर लिया। वर्टिकल मूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि एक बॉडी ऑन फ्रेम कार है, तो आपको उस चीज़ का फ़र्क तो ज़रूर पता चलेगा। जो ये कार आपको फीलिंग प्रोवाइड करती है डैट इज़ सिंपली अमेजिंग, कि इस कार के सामने आप कोई भी ऑब्स्टिकल ले आओ, कोई भी ऑफ रोड चैलेंज ले आओ, ये थार उसको फ्लाइंग कलर्स से पास कर जाएगी और इसको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो चलिए आप बढ़ते हैं रोड पे ड्राइविंग रिव्यू की तरफ। तो गाइस जब हम रोड पे अपना ड्राइविंग रिव्यू फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम एयर कंडीशनर को बंद कर लेते हैं, इसको ड्राइव पे स्लॉट कर लेते हैं, हैजर्ड लाइट्स को भी ऑफ कर लेते हैं, एंड ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑफ कर लेते हैं। एज यू कैन सी ट्रैक्शन ऑफ की लाइट आ गई है, इंडिकेशन आ गया है, ड्राइव पे है अभी। मैंने ब्रेक से पैर हटाया है और कार अपने आप आगे क्रॉल कर रही है टिल अबाउट 8 किलोमीटर्स an hour, तो इसमें क्रॉल फंक्शन भी आता है। जो मैंने यहाँ तक जब मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ कार को, जो मैंने थोड़ी सी ड्राइव करी है उसमें मैंने ये देखा है कि थार आपकी कंफर्टेबल है स्लो स्पीड्स पे भी। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक प्राइमरी कार की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी फैमिली छोटी है या आप सिर्फ दो लोग हैं जो कार में नॉर्मली चलते हैं ट्रैवल करते हैं, तो ये भी एक परफेक्ट कार है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है। और ओकेजनली अगर आपके पास 3-4 जने भी हैं जो आपके साथ ट्रैवल करने वाले हैं, तो उसके साथ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंजन, तो जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था आइडियल टाइम पे भी साइलेंट ही था। एंड जो इसका रिस्पॉन्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 RPM पे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक टर्बो चार्ज इंजन है तो इसमें टर्बो लैग आपको ज़रूर मिलता है, बट ये वो बहुत अच्छे से मास्क कर लेता है। जैसे ही आप 1500-1700 RPM पे आते हैं टर्बो एक्टिवेट हो जाता है एंड कार प्रोग्रेस करनी चालू हो जाती है। एंड जैसे अब आप देखोगे मैंने हल्का सा थ्रॉटल पे टैप करा, 1500 RPM प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। तो ओवरटेक्स वगैरह भी अगर आपको करना है तो जस्ट आपको RPM थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1500 RPM के बाद ये चलनी चालू हो जाती है, आगे को प्रोग्रेस करनी चालू हो जाती है। अब थोड़ा सा खाली स्ट्रेच आएगा तो हम ट्राई करते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा थ्रॉटल पे टैप करा, 2500 RPM कार पुल कर रही है, एंड इन नो टाइम इट हैज रीच 100-110, एंड अभी भी इसमें प्लेंटी ऑफ पोटेंशियल बचा है। जी हाँ, इसमें बॉडी रोल आपको ज़रूर मिलेगा, जो ब्रेक्स है वो कॉन्फिडेंट है, बाइट थोड़ा सा कम है बट कार अपनी लाइन नहीं छोड़ रही, इधर उधर झूल नहीं रही गाड़ी, जो पुरानी वाली थार के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इस वाली थार के अंदर वो बहुत अच्छे से महिंद्रा ने ठीक कर दिया इस चीज़ को। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द कार, तो जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपको वर्टिकल मूवमेंट ज़रूर मिलेगी, और ये एक बॉडी ऑन फ्रेम चैसी पे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी बनी हुई है,
तो उसमें ये चीज़ होती ही होती है कि आपको बॉडी रोल और वर्टिकल मूवमेंट ज़रूर मिलता है। ये बेसिकली आपकी सिटी स्पीड्स पे क्रूज़ करने के लिए कार बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो बम्प्स वगैरह हैं वो आपको फील नहीं होते अंदर। बट ऑन द हायर स्पीड्स, क्योंकि फिर आपकी जो सस्पेंशन है वो आप स्टिफ चाहते हैं पर ये सॉफ्ट है, इस वजह से वर्टिकल मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाती है और तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। टॉकिंग अबाउट द स्टेयरिंग व्हील ऑफ द थार, तो जो स्टेयरिंग व्हील है वो हाइड्रोलिक मिलेगा, जो सिटी स्पीड्स पे नॉर्मल कार से जो इसी सेगमेंट में आती है थोड़ा सा स्टिफ है उनके कंपैरिजन में, बट कहीं पे भी आपको ऐसा ही लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हैवी है या डेली मैनूवर करने में बहुत दिक्कत आ रही है, यू टर्न वगैरह लेने में इशू आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फील एंड फीडबैक भी अच्छा है स्टेयरिंग का। तो अभी हम यहाँ से यू टर्न लेंगे तो हमें थोड़ा सा और बेटर आइडिया लग जाएगा स्टेयरिंग का। तो यस, ये हैवी तो नहीं है, लाइटर साइड पे ही है और आप इजीली इससे, जैसे अभी मैंने यू टर्न लिया तो मैंने एक हाथ से यू टर्न ले पाया मैं। ऐसा नहीं कि आपको दोनों हाथ यूज़ करके आपको यू टर्न लेना ही पड़ेगा, सिंगल हैंडेडली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बस इसमें जो मेरे को एक चीज़ की कमी लगी कि जब आप यू टर्न ले लिया आपने तो ये अपनी पोजिशन पर वापस इतनी जल्दी नहीं आता और आपको खुद लाना पड़ता है, तो उस चीज़ का आपको स्टार्टिंग में हल्का सा हो सकता है टाइम लगे यूज टू होने का, क्योंकि ये वापस इतनी जल्दी उतनी स्पीड से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। तो अब हम इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। अब की बारी हम इसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक करते हैं और गियरबॉक्स को भी मैनुअल में स्लॉट कर देते हैं। तो इधर ये एम लिखा आ गया है, फिर ट्राई करते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस है थोड़ा। अच्छा, ये मैनुअल पे अपने आप गियर शिफ्ट नहीं करती है और आपको मैनुअली ट्रिप्टोनिक फंक्शन की मदद से गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने इसको वापस ड्राइव में कर दिया है, इसने अभी डाउन शिफ्ट लिया एंड 100, अभी तक तो कार काफी स्टेबल है 110 पे। जो ब्रेक्स है उनका बाइट कम है, जैसे आपने मैंने आपको बताया, तो वो अभी एविडेंट था। 110, 120, 130, 135, 140, 110, 115 के बाद आप इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट उससे पहले आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको ड्राइव करने में हाई स्पीड्स पे भी। जो गियरबॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है सिटी स्पीड्स में, बट अगर आप इसे इंस्टेंटली अगर शिफ्ट मांगते हैं तो हल्का सा हेजिटेट करता है, बट देन इन अ फ्यू सेकेंड्स ये यूज टू होके आपको डाउनशिफ्ट प्रोवाइड कर देगा। बट ओवरऑल क्योंकि एक ये टॉप कन्वर्टर गियरबॉक्स है तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जर्क्स फील नहीं होते आपको। DCT लेवल जितना स्मूथ तो नहीं है, बट हाँ टॉप कन्वर्टर से अगर हम कंपेयर करें और तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। एंड द वन मेजर थिंग जो मेरे को थार की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि एक तो इस कार की रोड प्रेजेंस गाइस सरियल है, मतलब आपको फॉर्च्यूनर में इतने लोग मुड़ मुड़ के नहीं देखेंगे जितने आपको थार में देखते हैं। आप कहीं से ले जाओ एक बारी तो लोग इसमें आपको देखेंगे देखेंगे कि भाई कौन सी गाड़ी जा रही है, और अगर वो थार स्पेशली ब्लैक कलर में हो तो और ज़्यादा लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे आपको। तो यही थी आज की कुछ वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास कोई सजेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।